सो हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमसे फिर से आजकल नई क्लास में आज अपनी अकाउंट्स की क्लास नंबर 9th है, ठीक है। तो अगर आपसे बात करें इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपसे हमने क्लास कर ही रहा थी, तो आज क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है आज का, ठीक है। इस चैप्टर का मैं आपसे बात करूँ सिंगल कॉस्टिंग की, तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत अच्छी क्लास होगी आज की। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया है, क्वेश्चन ये आपको ओपन देखिए। क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्टिंग ही करता है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका रॉ मटेरियल्स का, फिनिश गुड्स का और वर्क इन प्रोग्रेस। ये आपको ओपनिंग स्टॉक दिया था 1 मार्च को। फिर क्वेश्चन के हिसाब से आपको आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है इसने रॉ मटेरियल्स का, फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, ठीक, इतना आपको दिया गया क्लोजिंग स्टॉक। फिर क्वेश्चन में कहता है कि क्या परचेज किया आपने, कितना आपने सेल किया फिनिश गुड्स, क्या सेल किया आपने, ध्यान समझिएगा, क्या सेल किया आपने फिनिश गुड्स। अच्छा, आप कौन से गुड्स सोल्ड करते हो, वर्किंग प्रोग्रेस सोल्ड करते हो आप कभी, क्या आप क्या सोल्ड करते हो? सर हमेशा हम लोग फिनिश गुड्स सोल्ड करते हैं, ये मार्कर है, तो मार्कर जब तक पूरा बन नहीं जाएगा तब तक क्या सोल्ड होगा, क्या ऑब्वियस है सर, जब तक मार्कर बनेगा नहीं तब तक मार्केट में सोल्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ कि जो आपने फिनिश गुड्स को सेल किया उसके बारे में दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन ने दिया हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन ने दिया हुआ है आपका, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्वेश्चन ने दिया हुआ है, सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लिखा गया है सेल ऑफ स्क्रैप के बारे में, दैट्स वेरी गुड। एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने पे दिया हुआ है। आपको निकालना है कि प्रॉफिट क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, और नेट प्रॉफिट क्या होगा इस पूरे मंथ का, आपको ये इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करते हैं हम लोग, समझ स्टार्टिंग हम फिर से चीजों को रिपीट कर देता हूं। देखिए यहां से यहां तक का पार्ट अपना है, फिर यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो इसके नीचे का है, यहां से यहां तक का पार्ट नीचे का है, ठीक है। और ये क्या है, ये वर्किंग नोट है आपका, ठीक है। तो मैं बना दिया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एग्जामिनेशन लोग ऐसा नहीं बनाओगे, ठीक है ना, ये इसके नीचे ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, सर सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ है, पहले हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं, दैट्स वेरी गुड। तो कैसे निकलेगा सर, सबसे पहले कैसे निकालेंगे उसको हम लोग, सर सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक किस चीज का, रॉ मटेरियल्स का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना, आरएम का कितना दिया है, देखिए इस क्वेश्चन में कितना दिया है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था, सो ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000, लिखेंगे आपके 20,000, कितना 20,000 आपने यहाँ पे दिया है ओपनिंग स्टॉक आपका। अच्छा फिर क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स ओपनिंग स्टॉक में आपसे इसमें परचेस ऐड करते हैं, ये लीजिएगा परचेस ऐड करेंगे आपने, कितना इस क्वेश्चन में दिया है परचेस, कितना किया आपने 46,000 का आपने रॉ मटेरियल्स को परचेस किया होगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए कुछ और दिया है क्या, कुछ और दिया है क्या इसके बारे में देखिएगा, हाँ सर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, इसने क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना दिया था क्लोजिंग स्टॉक 18,000 दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं वैसे, माइनस कर दो आप, दैट्स वेरी गुड। सो क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हो, यहां से माइनस कर दो, कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक आपका 18,000 दिया, कितना दिया आपका 18,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस करेंगे यहाँ पे, और जैसे हमने माइनस किया हमको मिल जाता है कितना आपका देगा 48,000, और ये क्या हो गया आपका, ये क्या आपका, ये निकल गया मटेरियल कंज्यूम, क्या निकल गया आपका, मटेरियल जो आपने क्या किया है कंज्यूम्ड। अच्छा तो क्या करते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद में, सर इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं। सर आपने पढ़ाया हुआ पहले से कि अगर डायरेक्ट लेबर ना दिया हो तो डायरेक्ट वेजेस लेते हैं, क्योंकि लेबर को वेजेस ही पे किया जाता है, लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस, देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में दिया है, क्या हाँ दिया तो है, कितना इस क्वेश्चन में कितना दिया, देखिए 15,000, 15,000 रुपये दिया हुआ था, लिख लिया मैं यहाँ पे, और क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आप ऐड कर लो आप, आपको देखिए आपका हो जाएगा 63,000, कितना आपको हो जाएगा 63,000, ये क्या हो गया आपका, ये निकल गया प्राइम कॉस्ट, क्या आ गया आपका, आ गया आपका प्राइम कॉस्ट आपका इस क्वेश्चन में कैलकुलेट हो गया। अच्छा प्राइम कॉस्ट के बाद क्या करते हो आप, सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हैं, बहुत अच्छे लिखेंगे आप पे, आप फैक्ट्री ओवरहेड बोलो या वर्क ओवरहेड बोलो की बात हुआ, तो वर्क
ओवरहेड लिखना लो, ठीक है ना। चलिए देखेंगे आपके क्या वर्क ओवरहेड में क्या क्या चीजें दी गई इस क्वेश्चन में। सही, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो देखिएगा वर्क ओवरहेड में इनडायरेक्ट वेजेस दिया है। इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ पे आता है सर? इनडायरेक्ट वेजेस हमारा यहीं पे आता है। लिखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट वेजेस कितना दिया देखिए इस क्वेश्चन में सर 1000 दिया। लिखेंगे यहाँ पे 1000। कुछ और दिया है क्या सर? फैक्ट्री एक्सपेंसेस देखिए ना सर, वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है, बहुत अच्छे है। कितना दिया फैक्ट्री एक्सपेंसेस? देखिए 5800 का फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना दिया है? 5800 का फैक्ट्री एक्सपेंस हमारा दिया गया है, ठीक है, बहुत अच्छे है। कितना आपका आ जाएगा? आपका जाएगा 6800। सबसे अब लिखिएगा यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। देखिए जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि स्क्रैप को आप सोल्ड करो, क्या बोलेगा कि जब भी क्वेश्चन बोलेगा आप स्क्रैप को सोल्ड करो, जैसे इस क्वेश्चन में बोला तो आप क्या करोगे? आप सेल ऑफ स्क्रैप वाली चीज को यहीं से माइनस करेंगे। क्या करेंगे आप? यहीं से उसको माइनस करना रखिएगा। सो मैं देखता हूँ माइनस करता हूँ चौक पहले, लेस कर देंगे यहाँ पे क्या जो आपने सेल किया स्क्रैप चीज को, सेल ऑफ स्क्रैप को कितना आपने सोल्ड, कितना कितनी वैल्यू थी? 800 की वैल्यू ये लीजिएगा। कितना आपका जाएगा? आपका जाएगा 6000 आपका आ जाएगा यहाँ पे। हाँ सर आगे ये लीजिएगा, ठीक। अच्छा आगे देखिएगा इस क्वेश्चन को, कुछ और दिया है क्या? हाँ देखिए ना वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ना कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में अगर आएगा तो कहाँ पे लिखोगे आप? वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑलवेज रिटन वेयर अंडर द वर्क ओवरहेड। ध्यान रखिएगा वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे आता है? मैंने पहले भी पढ़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा 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 वर्क ओवरहेड के अंदर ही आता है। तो लिखेंगे यहाँ पे एट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अपना फुल फॉर्म लिखेगा एग्जामिनेशन में। कितना दिया देखिए, कितना दिया? 8000 दिया, यहाँ लिखिएगा 8000 रुपए। कितना आ जाएगा आपका? आपको हमको हो गया 14000 रुपए, ठीक है। इसमें से क्या करो, इसमें से क्लोजिंग माइनस करते हो, हाँ से माइनस कर दें, लिखिएगा लेस क्लोजिंग। कितना था क्लोजिंग? कितना क्लोजिंग है? 6000 माइनस कर लीजिएगा। कितना आपका जाएगा? कितना आपका जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पे 8000। कितना आपका जाएगा? 8000 रुपये आपका आ गया, क्लियर है? हाँ सर, तो आपका 8000 रुपये आ गया यहाँ पे। अब फाइन, अब मुझे फटाफट बताइएगा तो जब भी आप प्राइम कॉस्ट में, अब कुछ और तो नहीं वर्क ओवरहेड की चाहिए नहीं सर, तो जब प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड को पूरा एडजस्ट कर देते हो तो क्या मिल जाता है सर? हमें मिल जाता है वर्क कॉस्ट। क्या मिल जाता है हमें? मिल जाता है वर्क कॉस्ट। इस क्वेश्चन में वर्क कॉस्ट कितना ध्यान रखिएगा, तो आपका वर्क कॉस्ट हो जाएगा 63 + 8 = 70, 7 + 8 = 71, 71000। तो 71000 क्या आपका? ये आपका वर्क कॉस्ट इस क्वेश्चन में आ गया, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अच्छा इसके बाद क्या करते हो आप सर? इसके बाद हम लोग ऑफिस से एक चीज लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड, क्या करेंगे? ऑफिस ओवरहेड लिखेंगे। देखिएगा ऑफिस ओवरहेड में क्या कोई खर्चा दिया है क्या? हाँ दिया है, देखिए नीचे लिखा है ना, देखिए यहाँ पे सेल ऑफ स्क्रैप के नीचे लिखा गया, सेल ऑफ स्क्रैप नीचे लिखा गया ना, ऑफिस खर्चा कितना है? 2000 रुपए का ऑफिस खर्चा है। लिखेंगे यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया है? देखिएगा 2000 रुपए। कुछ और दिया है क्या? नहीं सर, कुछ और नहीं दिया। तो हम लिखेंगे, नोट करेंगे अपने आप पे, कितना आपका जाएगा? आपका जाएगा यहाँ पे 73। कितना आपका जाएगा? देखिएगा कितना आपका आ गया, आपका जाएगा 73000। कैसे आया? 71 + 2 = 73 अपना हो गया, और ये क्या मिल गया? ये मिल गया आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिल गया आपको? ये सर, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। अब हमने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाए उसके बाद अगर इस क्वेश्चन में फिनिश गुड्स दिया रहेगा तो फिनिश गुड्स को एडजस्ट कब करते हैं? सो फिनिश गुड्स को एडजस्ट हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद करते हैं। मैंने पहले पढ़ाया आप लोग को, ध्यान रखिएगा, देखिए रिवाइज करते रहिए बस, बाकी कुछ और नहीं करना आपको। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमारा आता है फिनिश गुड्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ, कितना दिया फिनिश गुड्स? कितना दिया अपन? कितना दिया अपना ऑफ फिनिश गुड्स? देखिए कितना क्वेश्चन में दिया गया है, उस क्वेश्चन में दिया गया है आपका 15000 रुपए। लिखिएगा 15000 रुपए, 15000, क्लियर है? ऐड कर सकते हैं चाहे तो उसको। कितना आ जाएगा आपका जगह? हम देखिए आपका जगह यहाँ पे, आपका आ जाएगा यहाँ पे 73 + 5 = 88000, क्लियर है? कैसे आया? हाँ सर। अच्छा अब जब ओपनिंग के बाद क्या करते हो आप? इसमें से क्लोजिंग माइनस करते हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
लेस कर दें क्लोजिंग को, ये लीजिएगा हम लेस कर दिए क्लोजिंग स्टॉक को, कितना क्लोज में दिया क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था 12000 रुपए का, ये लीजिएगा बहुत अच्छे हैं। कितना बचेगा आपका, बचेगा 76000। ये क्या आपका, ये क्या निकल के आ गया आपका, ये क्या निकल के आ गया, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा आ गया, क्या आ गया हमारा, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ गया। यहां तक कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं यहां तक कोई दिक्कत होगा, आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक में, कोई भी दिक्कत यहां तक में नहीं होनी चाहिए, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ गया। अच्छा अब इस क्वेश्चन का थोड़ा दूसरा पार्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन ने कहा हमसे हमें बताओ कितना प्रॉफिट होगा इस मंथ में, क्या बोला कि बताओ मुझे कि कितना प्रॉफिट होगा इस मंथ में। अच्छा ये तो चलिए समझ में आता है कि इसने पूछा प्रॉफिट कितना आएगा हमको, तो अभी बात ध्यान से तो समझे मैं बात होती हूँ, बात ध्यान से प्लीज समझे कि थोड़ा सा क्वेश्चन ने घुमाने का प्रयास किया हुआ है, यहीं से क्वेश्चन जो घुमा हुआ है। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है अपने को, अपने को क्या निकालना, अपने को तो प्रॉफिट निकालना है ना अपने को, ठीक है। अच्छा आप ऐसे भी चाहो तो यहाँ से भी आप जाओ तो भी आप पहुंच सकते हो, कैसे मैं बताऊँ कैसे, देखिए आप यहाँ से ऐसे ही चाहो तो पहुंच सकते, देखिए सेल्स दिया क्वेश्चन में आपको, हाँ दिया है सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स दिया, हाँ सर दिया है, कितना दिया है, कितना दिया सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, कितना दिया आपका सर सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में दिया 90000, लिखेंगे आप 90000, ठीक है ना, हाँ सर दिया है, ठीक है दिया है सर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करते हो सर, इसका सेलिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, सेलिंग लिखेंगे आपने एक्सपेंसेस, कितना क्वेश्चन में दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया 2500, लिखेंगे आपने 2500 लिखिए तो आपके यहाँ फिलहाल 2500, ठीक है फाइन सर। अच्छा जब सेलिंग एक्सपेंसेस कर देते हो तो क्या आ जाता है आपका सर, हमारा टोटल कॉस्ट आता है, क्या आ जाता है टोटल कॉस्ट में आ जाता है, कितना कितना आपका जाएगा, आपको जाएगा यहाँ पे 00587, ठीक है ना, हाँ सर हाँ सर ठीक है। देख लीजिए सर आपने आप बताऊँ सेलिंग एक्सपेंस में कॉस्ट ऊपर चलना आपको हो गया फाइन है, हाँ सर। अब देखिएगा तो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे तो प्रॉफिट कितना अपना होगा, हमने पहले भी पढ़ा है कि टोटल कॉस्ट में आप प्रॉफिट जोड़ते हो तो आपका सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स आता, हाँ सर। तो क्योंकि हमें प्रॉफिट ही निकालना था तो इसमें माइनस कर लीजिएगा, आपके जगह कितना 11500, ये लीजिएगा, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिया है क्वेश्चन में आपका आंसर, ठीक है फाइन 11500 का राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। अच्छा अब देखिए जैसे इस अगर आपसे इस बुक के बारे में बात करूं तो इस बुक ने एक अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इस बुक ने जो तरीका सॉल्व किया है ना वो उन्होंने क्या किया, वो इन्होंने इसके बाद एक थोड़ा सा चीज को बदला है, ये तो ये भी देखिए ये भी फॉर्मेट एकदम सही है आपका, ठीक है आप इस फॉर्मेट के साथ भी क्वेश्चन में जा सकते हो एग्जामिनेशन। अब जैसे इस बुक ने जो फॉर्मेट यूज किया वो देखिए क्या किया इन्होंने, इन्होंने यहां तक निकाला, इन्होंने यहां तक निकाला उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने एक अलग टेबल बनाया है, जैसे इनका देखिएगा इन्होंने क्या किया, यहां तक समझ में आया क्या ना, हाँ सर आप यहां तक करो कोई दिक्कत नहीं है, बट देखिए इन्होंने इस बुक ने कैसे किया, इस बुक ने यहां तक चीजें सेम किया, यहां तक चीजें सेम किया और उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा चीजें बदल दिया। देखिए इन्होंने क्या किया इस बुक ने, जो मेथड लगाया वो ये लगाया है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे किया, देखिए यहाँ पे इन्होंने अब अलग टेबल फिर से बनाया है, इन्होंने अलग टेबल बनाया फिर से एक बार, ठीक है इन्होंने लिखा है सेल, इन्होंने सबसे पहले लिखा है सेल, सेल इन्होंने लिखा कितना 90000 रुपए का, ठीक है फिर उन्होंने इसमें से लेस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितने का था 76000, जो हमने ऊपर निकाला ना ऊपर निकाला था वाला, इन्होंने लेस कर दिया, ठीक है फिर आपका आ जाएगा 14000 का, क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं, ये प्रॉफिट अभी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इन्होंने माइनस कर दिया सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया था 2500 का, आपका आ जाएगा 11500 और ये आपका क्या, ये आपका है नेट प्रॉफिट, ये क्या आपका, ये आपका है नेट प्रॉफिट। तो आप ऐसे भी आ सकते हो, मर्जी आपकी है, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी आ सकते हो, आपने पढ़ा ना क्लास 12th में या 11th में पढ़ा होगा, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे याद है आप लोग को, जब चीजों को उल्टा जाने का तरीका, अब जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सीधे तरीके से लास्ट तक ले गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा चीजों को पलट दिया, इन्होंने सीरियस दिया था, तो इन्होंने अब इस क्वेश्चन सेकंड पार्ट में
इन्होंने सिर से क्वेश्चन को शुरू कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैसे कर सकते हो। होप्स आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अगर तब भी डाउट हो तो फिर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। सुमन जी सही क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ योर चैनल।